तो दोस्तों अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी 90 के दशक में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन शादी करने वाले थे, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश ये शादी टूट गई थी। और दोस्तों फिर अक्षय कुमार रवीना टंडन से नहीं मिले, लेकिन दोस्तों अब 2023 में बेस्ट स्टाइलिश अवार्ड फंक्शन पर अक्षय और रवीना टंडन को एक साथ देखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि अक्षय कुमार रवीना टंडन को एक साथ देखा गया, और दोस्तों इन्हें एक साथ देखकर सभी फैंस बहुत ज़्यादा मतलब खुशी से पागल हो गए। और दोस्तों इन दोनों ने आपस में बातें की और दोस्तों एक दूसरे को गले भी लगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी को एक बार फिर से हमें देखने को मिले, और दोस्तों पूरी इन्होंने हंसी मजाक भी करते रहे। जी हाँ दोस्तों, अवार्ड फंक्शन पर मतलब वहाँ पर अवार्ड भी दिया जा रहा था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर पूरी हंसी मजाक चली और रवीना टंडन से अक्षय कुमार सर ने बहुत देर तक बातें की, और सभी फैंस इनकी जो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर अपलोड की गई और वायरल हो रही है, तो वह लोग बहुत ज़्यादा मतलब सभी फैंस इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए बहुत ज़्यादा। और आपको बता दें कि इन दोनों को एक साथ देखकर मतलब यार सभी मतलब खुशी से पागल हो गए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर राहुल प्रीत और मतलब कई अन्य एक्ट्रेस भी थे मतलब बहुत ज़्यादा, पर लेकिन महफिल तो अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने लूट ली। जी हाँ दोस्तों, पूरी सोशल मीडिया पर सिर्फ अक्षय कुमार और रवीना टंडन की बातें चल रही है। तो दोस्तों आप लोग अक्षय कुमार और रवीना टंडन को 24 साल बाद एक साथ देखकर कितने ज़्यादा खुश हो गए, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।